दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखिए, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और लिमरा टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे पहलीपाड़ा में। पहलीपाड़ा में एक हादसा हो गया, जैसे पहलीपाड़ा में चोरी हो गया और ये सुल्ताना जी का घर है, सुल्तानी जी के घर पे चोरी हो गया। सुल्ताना जी एक्चुअली क्या हुआ था? हम लोग 1 बजे के टाइम पे शॉपिंग के लिए गए थे, मैं, मेरी बहन, मेरे बच्चे। कौन सा दिन था? मंडे का दिन था। तो हम लोग सब गए, ताला मार के हम लोग गए थे बाहर से। फिर रात को हम लोग कुछ 9 बजे के करीब घर पर आए, तो जैसे ही मैंने ताला खोली तो ताला निकालते बराबर कड़ी नीचे गिर गई। कड़ी नीचे गिर गई तो मैं बोली अरे कड़ी कैसे निकल गई, लगता है शायद स्क्रू लूज़ हो गया होगा। वो सोच के हम लोग अंदर आए, अंदर आकर देखे तो कबाट उधर पूरा बिखरा पड़ा था, कबाट खुला हुआ था, तिजोरी पूरी टूटी हुई थी और सामान पूरा नीचे बिखरा हुआ था और मेरा जेवर का डब्बा पूरा खाली था। वो भी नहीं, मतलब ताला तोड़ा गया था या स्क्रू खोला गया? स्क्रू खोला गया था। हाँ, ताला जैसा का वैसा ही था। उसके बीच में मेरे अब्बा भी 2 बार आकर गए, देखे दरवाज़ा, घर दरवाजे पे ताला वैसे ही था। अब्बा ने बोले ताला लगा हुआ आए नहीं अभी तक, बोल के वो रिटर्न चले गए। तो अब्बा हैं ये, कितने बजे के वक्त में आए? ये 8 बजे के टाइम पे आए थे, हाँ शाम के, तारीख के बाद 8 बजे वो टाइम पर आए थे। तो वो टाइम पर भी ताला लगा हुआ ही था, तो वो ताला देख कर रिटर्न चले गए। फिर हम लोग 9 बजे आए थे, 9 बजे आके मैंने ताला खोली तो फिर घर में आ घुसी तो घर का मंजर ऐसा था। एक्चुअली मतलब कबर्ड में क्या क्या रखा था? कबर्ड में वही मेरे पैसे थे और जेवर थे। कितने पैसे, कितने कैश, कितने थे और जेवर कितने? तो 7-8 हज़ार रुपये ही होंगे, क्योंकि मैं शॉपिंग के लिए गई थी तो उसमें से भी पैसे लेकर गई थी। अच्छा। तो बाकी के पैसे उसी में रखी थी और जेवर मेरा 13 तोला सोना उसमें था। 13 तोला पूरा चला गया? हाँ, वो पूरा गया, उसमें से कुछ भी। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कबाट को आपको ताला मारना चाहिए था, आपने नहीं मारा? ताला मैं एनी टाइम, मतलब कभी भी बाहर जाती हूँ तो बाहर का डोर बंद कर ही जाती हूँ। उस दिन ऐसा हुआ कि पता नहीं किस, मैं घाई में थी या क्या थी कि बाहर का लॉक मैंने की नहीं, लेकिन तिजोरी लॉक थी। अच्छा, तो ये मतलब आपके अब्बा जो हैं वो 8 बजे आए थे, मतलब आपका ये कहना है कि 8 बजे के और 9:30 बजे के बीच में ये हुआ? नहीं, 8 बजे से पहले ही हुआ है, 8 बजे से पहले, क्योंकि 7:30 या 7:45 बजे के टाइम पे हमारे जो सामने घर है वो लोग ने हमारा दरवाज़ा खुला हुआ देखा था। खुला हुआ देखा तो उन लोग को ये लगा कि मैं घर पर आ गई हूँ, तो इसलिए उन लोग ने भी आकर कुछ देखे नहीं, कुछ बोले नहीं, खाली बस दरवाज़ा खुला ये देखे, बाहर चप्पल पड़ी हुई थी एक जेंट्स की वो देखे उन लोग ने, पर उन लोग का ध्यान ये नहीं गया कि शायद कोई और है या हम हैं। तो पुलिस स्टेशन में इसके बारे में आपने रिपोर्ट लिखाई? हाँ, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा है, उन लोग ने FIR लिखे, उसका कॉपी भी मुझे दिए। अभी हम कितना, आज 5वां दिन है, 5 दिन से भी हम चक्कर काट ही रहे लेकिन अब तक रिजल्ट कुछ नहीं है। आपको किसी पे आशंका है, किसी पे डाउट है आपको? एक पे डाउट है, इधर ही हमारे, मेरे घर के पीछे एक है, उसके ऊपर डाउट है, तो हम लोगों ने वो भी जाहिर किए कि उस लड़के पे डाउट है, तो उसको एक दिन पकड़ के लेकर आए, मारे भी बोलते और फिर अगले दिन छोड़ दिए, बोले उसने कुछ कबूल नहीं किया। लेकिन आपको उस लड़के पे डाउट क्यों है, मतलब वो लड़के को आपने यहाँ पे गुजरते हुए देखा है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा उसको गुजरते हुए, लेकिन यहाँ पे जितने भी हादसे हुए इससे पहले भी, जितनी भी चोरियाँ हुई है सब उसी ने किए, और यहाँ पर जिन से भी हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे घर में चोरी हुई है, तो सभी का कहना यही है कि उसी ने किया है। आपका क्या कहना है? मैं क्या बोलूं भाई, मैं तो परेशान हूँ 5 दिन से, खाली चौकियों के चक्कर मार रहा हूँ, नेताओं के चक्कर मार रहा हूँ। आप किधर रहते हैं? मैं तो विक्रोली में रहता हूँ, मैं इसका छोटा भाई हूँ। हाँ, लेकिन चौकियों के हर दिन हम लोग डेली जा रहे हैं, मैं, मेरा छोटा भाई, दिन में 24 घंटा हम लोग वहीं पड़े हुए, काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, सब वहीं लगे हुए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। जब जा रहे बोल रहे पूरा स्टाफ काम कर रहा है, पूरा स्टाफ काम कर रहा है, लेकिन रिजल्ट अभी तक एक रुपये का रिजल्ट नहीं है। आपको इस एरिया के बारे में पता नहीं? नहीं, मुझे आकर अभी इधर 6 महीने ही हुए। अच्छा। इससे पहले मैं चीता कैंप में रहती थी। अच्छा। वहाँ का घर बेच के मैंने ये यहाँ का घर खरीदी। तो ये मंजर होने के बाद में, ये इंसिडेंट होने के बाद में आपको आजू बाजू वाले ने बोला कि ऐसा यहाँ पे होता है या फिर ये पहली बार हो रहा है? नहीं, होता है बोले। अच्छा। हाँ, होता है बोले। हाँ, ऐसा होता है, ये पहली बार नहीं हुआ है, और मेरे घर में होने से पहले 2 दिन पहले भी हुआ है, लेकिन उसकी खबर मुझे नहीं थी, उस बारे में मुझे नहीं पता था कि दिन दिवाले एक घर में और चोरी हुई है। अगर मुझे पता होता तो मैं और भी सेफली, मतलब अपना घर दिन में भी सेफली करके जाती। तो ये मतलब शॉपिंग से आने के बाद में आपको ये पता चला, उसके बाद में आपने ये देखा, आपने रिपोर्ट उसी दिन पे लिखा है या फिर अगले दिन? नहीं, उसी दिन रात में। जो आपके हस्बैंड हैं वो गल्फ में रहते हैं? अच्छा, अभी उनको मैसेज दे दिया आपने ये इंसिडेंट हो गया? हाँ। क्या क्या रिएक्शन था उनका? अब वो वहाँ बेचारे अकेले है, वो पता नहीं, अब फेस टू फेस तो बात हुई नहीं, सब फ़ोन पे बात हुई, तो उनका पता नहीं अब क्या रिएक्शन है।
जी, क्या हुआ था ये, मतलब कौन सा कड़ी खोला था उन लोगों ने? मैंने जब ताला ऐसे ताला लगा हुआ था तो ताला मैंने निकाल के ऐसे कड़ी खोली तो ये नीचे गिर गया। अच्छा, ये वाला ये स्क्रू निकाल दिया था। ये दोनों स्क्रू निकाल दिए थे तो ये कड़ी नीचे गिर गया। अच्छा। नीचे गिर गया तो मेरी बहन थी वो फट से पहले अंदर गई। हाँ। मेरी बहन है, छोटी बहन, वो फट से अंदर गई। अंदर गई तो इधर का दरवाज़ा जो है ये भी खुला हुआ था और कबाट का दरवाज़ा खुला हुआ था और तिजोरी भी पूरी टूटी हुई थी। अच्छा, ये तिजोरी पूरी ऐसी खुली हुई थी। जी, इसका इसको भी लॉक नहीं किया था आपने? ये लॉक था। अच्छा, हाँ अच्छा, अच्छा। ये लॉक था इसलिए लोग ने इसके ऐसी हालत कर दी। और जो अभी ये छूटा हुआ ये सब नकली सामान है। अच्छा, ये नकली सामान है, ये सब लोग ने ऐसे ही नीचे छोड़ दिए थे। अच्छा। ये सामान, ये कपड़ा वगैरह वगैरह भी सब नीचे बाहर पड़ा हुआ था। करते हैं पुलिस से, क्या रिक्वेस्ट करते हैं? अरे पुलिस से तो बस यही मांगे कि मेरा जो गया है वो बस वो मुझे मिल जाए, क्योंकि इससे पहले हमारे घर में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। कभी हम लोग पुलिस चौकी गए नहीं है, ये फर्स्ट टाइम ही है हमारा। बहुत मेहनत से हम लोग कमाए बचाए, हमारी बेटी एक जवान लड़की उसकी शादी के लिए थोड़ा थोड़ा करके जमाए थे, एक ही झटके में वो पूरा चला गया। बस अब मेहरबानी होगी पुलिस वाले की, मीडिया वाले की, जो भी हमारी मदद करे बस करे और हमारा सामान हमको वापस दिला दे। सुल्ताना जी, शुक्रिया।